हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल सॉल्यूशन विद श्याम। फ्रेंड्स, आज हम लोग आपके लिए लेके आए न्यू यूनिक टॉपिक जिसका नाम है बायोडाइजेस्टर सेप्टिक टैंक। बायोडाइजेस्टर सेप्टिक टैंक होता क्या है, बायोडाइजेस्टर सेप्टिक टैंक वर्किंग कैसे करता है, उसके एडवांटेज क्या है, क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, एक्चुअल प्रोसेस क्या है, इन डिटेल इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले। सो लेट स्टार्ट दी वीडियो। फ्रेंड्स, जैसे कि नॉर्मल सेप्टिक टैंक हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसमें एक्सकैवेशन हाई आता है, वाटर को रिसाइकलिंग कर नहीं सकते, और उसी तरह से बड़ी जो बड़ी कंपनी होती है जिसमें लॉट्स ऑफ वर्कर्स एंड लेबर काम करते हैं, सो इतनी वर्कर्स के लिए जो सेप्टिक टैंक कंस्ट्रक्ट करना बहुत हाई कॉस्ट करता है। सो इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पेड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो उसके लिए एक नया टॉपिक आया है, एक नई टेक्निक्स आई है जिसका नाम है बायो डाइजेस्टर सेप्टिक टैंक, जिसमें एक्चुअल वाटर का रिसाइकल कर सकते हैं। देन जो ऑर्गेनिक वेस्ट आता है उसको ऑलमोस्ट 80 से 90% रिड्यूस कर सकते हैं। सो एक्चुअल वर्किंग क्या है, जैसे कि वेस्टेज आता है किचन से, बेसिन से एंड देन टॉयलेट से। सो दिस इज़ द बायोडाइजेस्टर टैंक। एक्चुअल वर्किंग क्या है, जो वेस्टेज आ रहा है उस वेस्टेज को बायोडाइजेस्टर टैंक में सप्लाई करना। देन जो बायोडाइजेस्टर टैंक है उसमें यहाँ पे बैक्टीरिया छोड़ जाते हैं इन केमिकल फॉर्म। सो जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको 80 से 90% रिड्यूस कर देता है, और जो उसमें से फॉर्म निकलता है सिर्फ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इस कंपाउंडर में चला जाएगा। इस कंपाउंडर के बाद यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा इन गैस फॉर्म एंड मीथेन ऑल्सो। सो उसके बाद जो कंपाउंडर है वहाँ पर वाटर आएगा, तो वाटर को हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं इन द वाटर टैंक इंस्टॉल करने के बाद। अब वाटर टैंक इंस्टॉल करने के बाद ये जो वाटर है इसको हम लोग गार्डनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें अगर क्लोरिनेशन अगर ऐड करके रोड कंस्ट्रक्शन के लिए जो अदर गार्डनिंग या फिर उसको रिवर में छोड़ सकते हैं एक्सेट्रा। सो नेक्स्ट इज बायोडाइजेस्टर टैंक को एक्चुअल कंस्ट्रक्शन प्रोसेस क्या है। सो अगर 10,000 लीटर के लिए अगर बायोडाइजेस्टर टैंक कंस्ट्रक्ट करना है, तो सबसे पहले बायोडाइजेस्टर टैंक का साइज, देन जो भी एज पर डायमेंशन है, जो भी डायमेंशन है उसका मैं आपको एक टेबल दे दूंगा कि कितने मेंबर्स के लिए कौन सा थिकनेस, डायमीटर एंड लेंथ का बायोडाइजेस्टर टैंक लगेगा, और उसके लिए एक्सकेवेशन कितना करना चाहिए। अगर 10,000 लीटर के लिए बायोडाइजेस्टर सिस्टम को अगर अरेंज करना है, तो उसमें बायोडाइजेस्टर टैंक के बाद 50 mm का गैप रखना पड़ेगा। गैप रखने के बाद यहाँ पे अगर ब्रिक वर्क साइड से, ब्रिक वर्क जैसे कि आप एलिवेशन में देख सकते हो, बायोडाइजेस्टर टैंक साइड से साइड वॉल एंड बॉटम में ECC वगैरह किया हुआ है। नेक्स्ट इज बिफोर बायोडाइजेस्टर टैंक इंस्टॉल करने से पहले प्री फैब्रिकेशंस, चैम्बर्स, पाइप्स सब रेडी हो जाना चाहिए। नेक्स्ट इज कुछ इस तरह से रेक्टेंगुलर साइज में अगर रहा तो कुछ इस तरीके से इंस्टॉलेशन होता है, और सर्कुलर साइज में अगर रहा तो कुछ इस तरीके से दिखने के लिए। नेक्स्ट इज अगर डेली के यूजर्स है 10 से 15 मेंबर्स, सो मॉडल ऑफ टैंक 1,000 लीटर के लिए करना पड़ेगा। 1,000 लीटर के लिए सर्कुलर टैंक अगर सिलेक्ट करते हो तो 1100 mm डायमीटर एंड हाइट इज़ 1385 mm। अगर रेक्टेंगुलर साइज अगर ले रहे हो, सो 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर हाइट, थिकनेस ऑफ फाइबर इज़ 5 mm। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द टेबल जिसमें कितने मेंबर्स है, मेंबर्स उसके लिए कितना लीटर का टैंक टाकी लगेगा, सर्कुलर साइजेस दिया हुआ है एंड रेक्टेंगुलर साइजेस दिया है। नेक्स्ट इज बायोडाइजेस्टर टैंक
एक्चुअल में दिखता कैसे? तो बायोडाइजेस्टर टैंक एक्चुअल में कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसमें यहाँ से वॉल कंस्ट्रक्शन किया जाता है, यहाँ पे पीसीसी, ओके, देन यहाँ से मीथेन गैस बाहर निकलता है, ओके। अब एक्चुअल में बायोडाइजेस्टर टैंक के अंदर तीन कंपाउंडर होता है, एक दो तीन, जिसमें अगर यहाँ से सॉलिड वेस्ट अंदर आया, यहाँ पे बैक्टीरियाज वगैरह केमिकल के फॉर्म में छोड़े जाते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल है जो रिड्यूस होके यहाँ पे रुक जाता है 70 to 80% रिड्यूस होके। देन नेक्स्ट यहाँ से वाटर इस कंपाउंडर में आएगा, इस कंपाउंडर के अंदर वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन गैस रहेगा जो इस कंपाउंडर के से बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाए। तो जब भी कंस्ट्रक्शन करते हो तो मीथेन गैस के लिए, पाइप अटैच करना पड़ेगा और पाइप का वर्टिकल पोर्शन बाहर रखना पड़ेगा। देन यहाँ से थर्ड कंपाउंडर में वाटर आ जाएगा, इस वाटर को अब हम लोग गार्डनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पे एक टंकी लगा के इसको स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कुछ इस तरीके से काम करता है कि वाटर टॉयलेट वेस्ट, किचन वेस्ट यहाँ से इस कंपाउंडर में आएगा, इस कंपाउंडर के अंदर बैक्टीरिया ऐड किया जाएगा, बैक्टीरिया ऐड करने के बाद मीथेन गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकल जाएगा, एंड वाटर विल बी स्टोरेज, एंड इसको यूज़ कर सकते हैं आप। उस वाटर इसको स्टोर करने के बाद उसका पीएच वैल्यू हाई रहेगा, लेकिन उसमें उसको अपन क्लोरीनेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हाउ इट्स वर्क, हाउ इट्स, जैसे कि टॉयलेट वेस्ट मटेरियल आया, लेकिन इसको यहाँ पे स्टोर हो गया, यहाँ पे स्टोर होने के बाद यहाँ इस कंपाउंडर में बैक्टीरिया डाला जाता है, इस कंपाउंडर में बैक्टीरिया डाला जाता है, जिसमें बैक्टीरिया डालने के बाद ये जो स्लज है वो नीचे बैठ जाएगा रिड्यूस होके। देन वाटर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे वाटर के अंदर मीथेन और CO2 रहेगा, मीथेन यहाँ से बाहर निकल जाएगा और CO2, और यहाँ पे सिर्फ वाटर रहेगा। इस वाटर को स्टोर करने के लिए यहाँ पे टाकी कंस्ट्रक्शन करके यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, इस वाटर को यूज़ कर सकते हैं गार्डनिंग पर्पज़ के लिए। सो नेक्स्ट देन फ्रेंड्स, एक्चुअल एडवांटेजेस क्या है? तो एडवांटेज है कि बायोगैस यहाँ से बाहर निकलता है, तो बायोगैस यूज़ कर सकते हैं, इको फ्रेंडली है, उसके बाद रिन्यूएबल है, एज वेल एज क्लीनिंग इजीली। टंकी को क्लीन करने की प्रोसेस एकदम इजी है, जिसको पाइपिंग के थ्रू इजीली यूज़ कर सकते हैं। अगर नॉर्मल सी बात है, अगर स्लज ज़्यादा नहीं बनेगा तो क्लीनिंग बार बार करना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इज, और सबसे बड़ी बात, ग्लोबल वार्मिंग के लिए एकदम बेस्ट है, बेस्ट है। नेक्स्ट इज एक्चुअल, अगर सर्कुलर टैंक रहा तो उसको इंस्टॉल कैसा करना है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। जैसे कि सर्कुलर रेक्टेंगुलर का तो मैंने आपको बताया, लेकिन सर्कुलर का देखो, यहाँ पे वेंट पाइप जहाँ से मीथेन बाहर आएगा। देन नेक्स्ट इज यहाँ पे लिफ्टिंग हुक, जैसे कि अगर टंकी को बाहर निकालना है तो यहाँ पे लिफ्टिंग हुक दिया है। देन इनलेट यहाँ से आउटलेट, एक कंपाउंडर है, पार्ट 1 पार्ट 2। देन नेक्स्ट इज यहाँ से लिक्विड अंदर पुट किया जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, लिक्विड सिर्फ एक ही बार पुट करना है, एक बार पुट करने के बाद जब तक उसको क्लीनिंग प्रोसेस नहीं आता है तब तक उसको यूज़ बार बार नहीं करना है, उसको बैक्टीरिया उसमें ऐड नहीं करना है। देन नेक्स्ट इज एक्सकावेशन, एक्सकावेशन जो भी टाकी का साइज है उससे 50 mm ज़्यादा दोनों साइड से एक्सकावेट करना है, क्योंकि एट द टाइम जब क्लीनिंग प्रोसेस आएगा या फिर टंकी को कुछ अगर हो गया टाकी को, तो टैंक विल बी इजीली बाहर निकाल सकते हैं, एंड अगेन उसी साइज का यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अगर टॉयलेट का वेस्ट यहाँ से है और अगर बायोडाइजेस्टर टैंक अपन यहाँ पे पुट करते हैं, सो बायोडाइजेस्टर टैंक तक विद द हेल्प ऑफ स्लोप पाइप पुट करना रहता है, जिसमें जो पाइप यूज़ कैसा करता है, तो बाय ग्रेविटी फ्लो के जैसे यहाँ का जो वेस्ट है वो यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट बैकफिलिंग, ब्रिक्स कंस्ट्रक्शन एंड टैंक इसके बीच में सैंड फिलिंग करना रहता है। सैंड फिलिंग क्यों करते हैं कि एक तो वाटर टैंक इजीली प्लेस होते रहे, उसको बाहर निकालते समय कोई दिक्कत ना हो, देन इट विल बी फिक्स प्रॉपरली, ओके। देन डू एंड डोंट,
डू द पी वी सी सोलवेंट पाइप इज ऑलवेज कनेक्शंस विल बी गुड. जो पाइप्स के कनेक्शन रहेंगे उसको प्रॉपर फिक्स करना है. देन ग्राउंड सरफेस जहाँ पे पाइप प्लेस करेंगे वहाँ का ग्राउंड रिजिड होना चाहिए. देन वेंट पाइप इज ऑलवेज ओपन टू एयर. जो वेंट पाइप मतलब मीन्स जो मीथेन CO2 बाहर निकलेगा वो ऑलवेज ग्राउंड से अब होना चाहिए गैस बाहर निकलने के लिए. सो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक जिसमें बायोडाइजेस्टर टैंक के बारे में हम लोग ने पढ़े. फ्रेंड्स, अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो. एंड बायोडाइजेस्टर टैंक और कहाँ यूज़ होता है, बायोडाइजेस्टर टॉयलेट कहाँ पे यूज़ होता है, तो अभी फिलहाल में जो ट्रेन में टॉयलेट देखते हैं वो सब बायोडाइजेस्टर सेप्टिक टैंक ही होते हैं. सो उसके लिए भी हम लोग आपके लिए एक नया वीडियो बना लेके आएंगे. तब तक के लिए गुड बाय, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो.